Awesomely blossomy people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Well, in today's video, I'm going to talk about my first YouTube income. So yes, this question, oh my god, you people have asked me so many times, how much do you earn from YouTube? What is your YouTube income and all of that? So so finally, I actually have received this amount almost like 2-3 months ago, but मैंने उसको use इस्तेमाल नहीं किया था, उसका कुछ उपयोग नहीं किया था, but finally I bought something from that salary, so I thought, you know, let me share that with you all because I'm really happy about it and tell you that what is my first income from YouTube. So yeah, I know you're excited and I know you want to know, so keep on watching. इनकम कैसे मिलती है यूट्यूब से? सो बेसिकली जो आपके वीडियोस आप डालते हैं उसमें जो एड्स आते हैं, ऑलराइट, सो आपकी वीडियोस मोनेटाइज होनी शुरू हो जाती हैं, उसमें जो एड्स आते हैं, थ्रू दोस एड्स आपको इनकम मिलती है यूट्यूब से, ठीक है? मतलब जो एड्स है वो यूट्यूब को पे करता है एंड उसका कुछ शेयर आपको पे किया जाता है आपके वीडियोज पे, ओके? सो डिपेंड करता है कितने व्यूज क्या क्या है उस हिसाब से. इट रियली डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फॉलोअर्स यू हैव, सब्सक्राइबर्स यू हैव, बट व्यूज आप कह सकते हो क्योंकि आप जब क्लिक करोगे तो एड आएगा, तो ऑटोमेटिकली यू गेट पेड फॉर दैट. नाउ एड आने कब शुरू होते हैं, तो उसका क्राइटेरिया है जो कि यूट्यूब ने सेट किया है, विच इज 1000 सब्सक्राइबर्स. सो आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए प्लस 4000 वॉच आवर्स, वो होने चाहिए. तो जब ये दोनों आप एक तरीके से माइलस्टोन को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आपकी वीडियोज मोनेटाइज होना शुरू हो जाती है, ओके? सो इनिशियली लाइक टू गेट द 1000 सब्सक्राइबर, आई रिमेंबर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. मुझे याद नहीं कितना टाइम लगा था, बट टाइम लगा था 1000 सब्सक्राइबर्स होने में. नाउ ये दोनों जो क्राइटेरिया आप मैच कर लेते हैं, उसके बाद आपको एडसेंस पे अपना अकाउंट बनाना होता है, गूगल अकाउंट एडसेंस पे, ठीक है? उसमें आपके चैनल के सारे डिटेल्स आएंगे कि आपकी कौन सी वीडियोज कैसा परफॉर्म कर रही है, कितनी इनकम है, कितना आप मतलब कितना अर्न कर रहे हो, कितने, और वो डॉलर्स में ही होंगे ऑफकोर्स, एंड जो वो इंडिया में आएंगे तो कन्वर्ट होकर आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आएंगे. नाउ उसका भी एक क्राइटेरिया है, एक और माइलस्टोन है जो आपको क्रॉस करना पड़ता है, विच इज $100. तो जब आपके $100 हो जाते हैं, उसके बाद ही आप उसको इनकैश करवा सकते हो, ऑलराइट? सो आपके अकाउंट में वो दिखता रहेगा, आप एडसेंस अकाउंट में देखोगे आपको दिखता रहेगा कि अच्छा अभी $10, 12, 15, 20, 30 ये सब हुए हैं. जब 100 होता है उसके बाद ही आप उसको इनकैश करवा सकते हो, ऑलराइट? फिर उसके बाद जैसे $100 हो गया, उसके बाद आपकी जो बैंक डिटेल आपको फिलअप करने पड़ेंगे, कौन से अकाउंट में आप चाहते हो कि अमाउंट क्रेडिट हो वो होगा. उसके लिए भी एक थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, मतलब जो मैंने फेस की थी, कि पिन होता है जो कि ऑफकोर्स गूगल सेंड करता है एक पिन आपके एड्रेस पे. फॉर एग्जांपल जैसे मेरा जो होम एड्रेस है, जहाँ से मेरे जहाँ पे जहाँ का मेरा बैंक अकाउंट है और पासपोर्ट भी, जहाँ का जो भी एड्रेस है मेरे पासपोर्ट में, वो एमपी का है, जहाँ पे मेरा घर है, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं. सो ड्यूरिंग द लॉकडाउन ओनली, हालांकि मेरा जो थ्रेशोल्ड काफ़ी पहले मैंने क्रॉस कर दिया था, बट मैंने इनकैश नहीं करवाया था. मैं सोचा थोड़े और बढ़ जाए तो साथ में मैं इनकैश करवाऊंगी, ऐसे करके मैंने सोचा था. सो जब लॉकडाउन के टाइम पे पता नहीं मेरे दिमाग में आया कि यू नो लेट मी इनकैश इट नाउ. सो उसमें होता है एक पिन भेजता है, जब हम पिन एंटर करते हैं अपने एडसेंस अकाउंट में, तब वो फाइनली एक लाइक इट्स लाइक अ वेरिफिकेशन, और उसके बाद जाके जो आपकी एक्चुअल इनकम है वो आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है. पिन भेजा गया, उसमें हालांकि नोटिफिकेशन एक आया था कि यू नो बिकॉज ऑफ कोरोना डिले हो सकता है. आई वेटेड फॉर अ मंथ, नहीं पहुंचा. फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, यू नो, और उसमें भी ये था कि चार आपको चांसेस मिलते हैं, अगर चार चांसेस के बाद भी अगर नहीं होता तो कुछ प्रॉब्लम होता, मतलब बहुत डिफिकल्टी होगी आपको बाद में जाके. तो आई वाज लाइक हे भगवान प्लीज दूसरे चांस पे मतलब पहुंच जाए पिन मेरे घर तक, ताकि मेरे फादर मुझे बता सके. सो फाइनली आफ्टर अ मंथ अगेन मेरे फादर ने मुझे कॉल किया कि तुम्हारा कुछ ऐसा कुछ आया है, डॉक्यूमेंट आया है यूट्यूब से, एडसेंस से, तो ऐसा है, क्या करना है इसका? मैंने कहा अच्छा हाँ खोलो, इसमें पिन होगा एंड आप मुझे बताओ. देन मैंने जब पिन एंटर किया, फिर मैंने अपने अकाउंट में जाके क्रेडिट करवाया, एंड देन फाइनली इट वॉज लाइक यू नो विद इन 7 working days यू विल गेट द अमाउंट, एंड 5 or 7 working days यू विल गेट द अमाउंट. आई वेटेड, तो 5 दिन हो गए नहीं आया, मैंने कहा ओह गॉड कब फिर, बट फाइनली मुझे मेरा जो अमाउंट था आई रिसीव्ड एंड आई वॉज रियली हैप्पी. आई वॉज नॉट जम्पिंग बिकॉज इट वॉज नॉट माई फर्स्ट सैलरी, बट
आई वॉज हैप्पी दैट बिकॉज दिस इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ओके एंड ऑनेस्टली आई डोंट डो यूट्यूब जस्ट फॉर मनी आई डू इट बिकॉज आई थरली इंजॉय इट दिस इज sort of my passion I feel really happy I feel that you know I'm doing something constructive I'm helping others at the same time and I'm making most of my life you know ki kya gaya apne zindagi jisme aap bologe ki ha mujhe na bahut acha lagta hai ki when I make videos when I edit it when I post it then usme jo views aate hain jo likes aate hain jo comments aate hain so mujhe bada acha lagta hai to I was that is my intention but of course uske sath agar aapko it's like a reward you are getting na jo income mil rahi because it's a very creative job so jo aapko usse salary jo income mil raha hai it's like a reward you know of course comments like to hai hi par sath mein ye ek tarike ka reward hai aapke hard work ka so finally I got and now if I tell you that how much I got as my first salary income jo ki thoda zyada thi $100 se क्योंकि मैंने थोड़ा कलेक्ट करा था सो आई कैन नॉट टेल यू द एग्जैक्ट अमाउंट बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड एज पर द यूट्यूब नॉर्म्स टू डिस्क्लोज योर एक्चुअल इनकम बट आपको एक रफ आइडिया देने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि कितनी सैलरी कितना इनकम था मेरा सो आई बॉट आईफोन 11 64 GB आई थिंक 64 GB फॉर माई हस्बैंड ओके सो मैंने उनको ये गिफ्ट किया है काफ़ी टाइम से ही वॉज प्लानिंग टू बाई एन आई फोन सो आई वॉज लाइक उनको अपग्रेड वैसे ही करना था उनका फ़ोन काफ़ी 3-4 साल पुराना हो गया था तो ही वॉज एनी विच वेज ही वॉज प्लानिंग टू अपग्रेड इट सो पूरा मैंने जो उसका पेमेंट है इस सैलरी इस इनकम से नहीं किया क्योंकि इतनी थी नहीं पर आप ये कह सकते हो 35% जो था इस आईफोन का वो मैंने अपने यूट्यूब सैलरी से पे किया है सो नाउ कैलकुलेट नाउ गूगल इट वॉट इज द प्राइस फॉर आईफोन 11 64 GB एंड उसके बाद आप प्लीज़ उसका 35% निकाल दो तो पता चलेगा कि आपकी मैथ कितनी अच्छी है सो दैट वॉज माई फर्स्ट इनकम फ्रॉम यूट्यूब बाकी जो मेरा जो अमाउंट था वो मैंने अपने जो सेविंग्स थे उससे मिला के बिकॉज आई एम वर्किंग ऑल्सो ना जॉब भी सैलरी तो मिलती है मुझे सो उस सारे से मिला के देन आई गिफ्टेड हिम दिस आईफोन 11 सो मैंने इसलिए बताया ये ताकि आपको एक अंदाज़ा पड़ जाए क्योंकि मैं ना काफ़ी ऐसे वीडियो देखती थी मैंने कहा मैं आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज एंड यू कीप ऑन आस्किंग मी कितना कितना अमाउंट सो मैंने कहा मैं कैसे बताऊँ देन आई गॉट द आइडिया बाय वॉचिंग अदर वीडियोज़ कि अच्छा ये ऐसे बता देते हैं ना कि कोई प्रोडक्ट का प्राइस ना उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लो सो मैंने लिटरली मैं इसके करके 35% ऐसे निकाल के एंड देन फाइनली आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइज सो या दैट्स माई फर्स्ट यूट्यूब सैलरी विच आई थिंक गॉट इन द मंथ ऑफ July or August, I think July I got, yeah July. So और जो आपका जैसे मैंने आपको बता दिया कि you earn from the ads, ठीक है जो कि आपके videos पे चलते हैं तो please मेरे skip मत करना जो मेरे video पे चल रहे हैं उनको पूरा देखना है please प्लीज ना और दूसरा होता है आपका जो collaborations आते हैं brands के साथ तो generally जो क्योंकि YouTube इतना पे नहीं करता है ठीक है टू बी ऑनेस्ट ठीक है इंडिया वाले YouTube से उसको तो इतना मिलता नहीं है ठीक है बट जैसे US है वहाँ के यूट्यूबर्स को ज़्यादा पे मिलती है मतलब इनकम मिलती है YouTube से एज़ कम्पेयर टू इंडियन यूट्यूबर्स और एनी एशियन फॉर दैट मैटर सो या बट जो कोलैबोरेशन होते हैं जनरली जो यूट्यूबर्स हैं उनसे उससे ही कमाते हैं यू नो जो कोलैबोरेशन उनको मिलता है ब्रांड्स वगैरह के बारे में यू एडवर्टाइज इट सो दे कोलैबोरेट दे डिस्कस दे डिस्प्ले दैट थिंग एंड देन यू पीपल गो एंड बाय इट सो इट्स लाइक एन एडवर्टाइजमेंट ना व्हाट दे डू सो उससे उनको मिलता है वो कोलैबोरेशन के थ्रू मिलता है बट मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी रही है तो मुझे कोलैबोरेशन के लिए आए तो हैं ऑफर्स बट इतने कुछ वर्कआउट ज़्यादा किया नहीं है बिकॉज आई कैन नॉट ओनली से गुड थिंग्स अबाउट अ प्रोडक्ट लाइक वेन एवर आई रिमेंबर देर वॉज दिस ब्रांड विच अप्रोच्ड मी एंड दे सेड यू कांट से एनीथिंग बैड अबाउट द ब्रांड सो आई वॉज लाइक आई कैन नॉट जस्ट मेक अ वीडियो लाइक आई जस्ट कांट से गुड थिंग्स अबाउट अ ब्रांड एंड मिसगाइड माई फॉलोअर्स यू नो If I don't believe in a brand, if I don't believe in a product, I will rather not say anything bad about it, but I will not, I will not be dishonest with my audience for that matter. It's okay, jo growth hai, slow hai, jaisa bhi hai, but yeah, but then that is how it is. So, wo ek cheez hai, jiski wajah se thoda, haan, wo ek cheez hai. Baaki to income aisi hoti hai. एंड या आई डोंट नो इट्स आई नो ये वीडियो बहुत ही अजीब से वीडियो है जैसे मैं बस बैठ के रैंडमली किसी फ्रेंड को बता रही हूँ कि नई सैलरी मिल गई फर्स्ट इनकम फ्रॉम यूट्यूब एंड यू नो इट इज़ मोर लाइक दैट बट दैट्स हाउ आई वॉन्टेड टू बी आई जस्ट वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू ऑल एंड आई डोंट वॉन्ट टू मतलब
हाँ मतलब जो एक्चुअल चीज़ है मैं वही बताना चाहती हूँ आपको. और या सो दिस इज माय एक्साइटमेंट व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल दैट आई गॉट माय सैलरी एंड आई बॉट समथिंग समथिंग स्पेशल फॉर माय स्पेशल पर्सन. सो या दैट्स आई वांट दैट ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल. एंड ऑल्सो इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल आई वुड से जस्ट गो अहेड. आई नो पीपल दे से दैट ओके आजकल तो हर कोई यूट्यूबर बन रहा है, इट्स ओके मत सुनो उनके बारे में, उनकी बातें मत सुनो बिकॉज अभी तो टाइम है ना, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, पहले नहीं था पहले के ज़माने में, अब है तो क्यों नहीं उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग, उसको वाई नॉट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. ऑलराइट सो ऑल द वेरी बेस्ट इफ यू प्लान टू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल एंड ओनली स्टार्ट इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट. To be very honest, because if I talk about me, why I'm still doing YouTube after like 3 years and looking at the number of subscribers and the views and the whatever and the income also, still I'm doing YouTube. Why? Because that makes me happy and that brings happiness to me and I'm sort of passionate about it. That is the only reason why I do it. So agar aap is intention se karoge nahi abhi maine YouTube start kar diya ab to mere fadake se mere 1000 फॉलोअर्स हो गए, फिर 2000, फिर मैं 1 लाख हो जाएंगे एंड यू नो इतना मैं सैलरी इतना इनकम, अगर आप उसको उस तरीके से सोच के करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि यू वुड बी एबल टू लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ऑलराइट, डू इट व्हेन यू आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट इट. डोंट जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट, डू इट बिकॉज यू रियली वॉन्ट टू डू इट. ऑलराइट, एंड यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट. आई नो दिस वीडियो वॉज अ खिचड़ी बट आई रियली होप यू लाइक इट एंड या ऑल द वेरी बेस्ट इफ यू प्लान टू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल. And yeah, that's all for this video. I hope you like this video. I hope you find it helpful. And if you do, make sure you give this video a big thumbs up, subscribe to my channel and press the bell icon next to the subscribe button so that you will be notified next time I upload a video. And please don't skip the ads of my videos. Please don't do that. All right. Okay, that's all for this video. I shall see you in my next one.